हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से टैली प्राइम से ही कैसे आप ईवे बिल बना सकते हैं। तो सिंपल सा प्रोसेस है, तो आज मैं आपको इसी सिंपल से प्रोसेस को बताऊंगा। टैली प्राइम से आप इजीली कैसे ईवे बिल बना सकते हैं। आपको ईवे बिल की साइट पे जाकर ईवे बिल बनाने की जरूरत नहीं होगी, आप सिंपली टैली प्राइम से ईवे बिल जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वाउचर पे जाना है। वाउचर पे जाने के बाद आपको यहाँ पे से सेल के लेजर पे आ जाना है। सेल के लेजर पे जब आप आ जाएंगे तो सेल के लेजर पे आप ये डाल दीजिए, और उसके बाद आप यहाँ पे डेट डाल दीजिएगा। F2 करके डेट डालने के बाद यहाँ पे पार्टी, कोई सी भी पार्टी, जो भी आपकी पार्टी हो, आप उस पार्टी को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने साई फैशन को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आप यहाँ पे पार्टीज की डिटेल डाल दीजिए, बायर आप कौन खरीद रहा है, यहाँ पे कंज्यूमर भी है, शिप टू, बिल टू किसके नाम पर कटेगा, शिप टू, सेम यही। उसके बाद कंट्रोल ए के साथ आप इसे सिलेक्ट सेव कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप जो है सेंट्रल सेल्स टैक्स में 5% आप लगा दीजिए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर आप कोई भी अपना जो प्रोडक्ट है तुम्हारा, आपका वो प्रोडक्ट ले लीजिए। जैसे मेरा ये प्रोडक्ट है, सिंपली मैं आपको बताने के लिए सिर्फ ये कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट लेने के बाद यहाँ पर जितना भी आपको चाहिए उतना आप कर लीजिए। सिंपली यहाँ पे जब आपका प्रोडक्ट आ जाएगा तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ पे IGST लगा देंगे। IGST आउटपुट में 5% में कर देता हूँ यहाँ पे, तो हमारा ये आ गया। इसके बाद आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। जैसे इसके बाद आपको क्या करना है, जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो चीज पूछता है। यहाँ से आप F12 से यहाँ पे प्रोवाइडेड कर सकते हैं। अगर आपका ये ऑप्शन चालू नहीं है तो आप यहाँ पर जाके चालू कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं, मॉडिफाई GST HSN रिलेटेड सेंड ईवे बिल डिटेल्स आफ्टर सेविंग वाउचर, तो हमने इसे यस कर रखा है। आप भी इसे यस कर दीजिएगा। यस करने के बाद कंट्रोल ए से सेव कर लीजिएगा, ताकि जब भी आप बिल को बनाएंगे उसके बाद ये आपसे ईवे बिल की यहीं से बनाने के लिए पूछेगा। तो यहाँ से आप ईवे बिल बनाना चाहते हैं, नहीं यार नहीं, हम यहाँ से यस कर देंगे क्योंकि हम यहाँ यहीं से ईवे बिल बनाना चाहते हैं, तो हम यस पे एंटर कर देंगे। यहाँ से आपके पास कुछ डिटेल्स मांगेगा, जैसे कि ईवे बिल का नंबर। यहाँ से आपको जैसे डिटेल्स मांगेगा, जैसे ईवे बिल नंबर, ये आपको फिलअप नहीं करना है। यहाँ पर आपको डेट भी फिलअप नहीं करना है। यहाँ पे आपको डिस्पैच का फिलअप करना है, फिर यहाँ पे आपको शिप टू फिलअप करना है। ट्रांसपोर्ट का नाम क्या है वो आप यहाँ से बना सकते हैं, Alt-C से ट्रांसपोर्ट का। फिर उसके बाद आप यहाँ से जो है मोड क्या है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, बाय रोड जाएगा, रेल जाएगा, कैसे जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एयरवे नंबर, फिर उसके बाद ये नहीं आप, तो ये यहाँ पे आपको व्हीकल नंबर जो है ये आएगा। जब आप व्हीकल नंबर यस कर देंगे, यहाँ से आपका वहां से जनरेट हो जाएगा, आपका ईवे बिल जनरेट होके आ जाएगा। हमारा एजुकेशन मोड पर है तो इसीलिए हमारा जनरेट नहीं हुआ है। बाकी इस तरीके से आप करेंगे तो आपका ईवे बिल जनरेट हो जाएगा। थैंक यू।